मुझे अंदाजा भी नहीं था और मैंने एक इतनी बड़ी गलती कर रखी है ना कि इन लव बर्ड्स को बजीज के जाल में छोड़ रखा है। ये मैंने ना किसी से पूछा ना कुछ सोचा, सिर्फ अंशुल के कहने पर मैंने इनको यहाँ पर छोड़ दिया। और देखो यार इन्होंने क्या क्या कर रखा है, इधर से इन्होंने सारा का सारा ये मैट खा रखा है, यहाँ से भी खाया हुआ है, यहाँ से भी खाया हुआ है। लेकिन बहुत सारे भाई ये भी कमेंट कर रहे थे कि यार ये एग्रेसिव बर्ड है, इनको बजीज के साथ आप बिल्कुल ना रखें, ये इनको धीरे धीरे मार मार कर परेशान करती होंगी। देखो इस तरह से काट रही है, अभी बिल्कुल काट रही थी ना, इनको मुझे जल्दी जल्दी यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। किसी और केज में भी छोड़ूंगा ना ये सारे के सारे मैट को खा जाएंगी। यहाँ से भी कितना ज्यादा खाया हुआ है, यहाँ से इतना ज्यादा खाया हुआ है, यहाँ से भी। मेरे पास जो आइडिया है वो ये है कि मैं सोच रहा हूँ ये वाला केज सबसे बड़ा केज था ना हमारे पास, इसमें से एक मटकी तो मैं निकाल देता हूँ, एक मटकी रहने देता हूँ और लव बर्ड्स को मैं इसके अंदर छोड़ देता हूँ। इससे होगा क्या कि वो ब्रीडिंग भी कर पाएंगी और ये काफी बड़ा जाल भी है, इसमें कई महीने तो हमारी बजीज भी रही थी ना चार, और ये तो सिर्फ दो ही हैं। वो बैठी दोनों सबसे अलग रहती हैं, इनके साथ भी नहीं रहती है मिलजुल कर, सबसे अलग बैठती हैं वो जाकर। हाँ भाई तो मैंने इनको फाइनली पकड़ लिया है, थोड़ा सा डर तो लगा, सिर्फ मुझे इनका काटने का डर था तो मैंने अपनी टी शर्ट उतारी, हाथ पर लपेटी और भाई इनको पकड़ लिया एक एक करके। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही आसानी से लव बर्ड्स को इस बड़े वाले पिंजरे में छोड़ दिया है। एक मटकी मैंने यहाँ से उतार ली है ये वाली, अब जल्दी से इस कटोरी में इनको पानी रखते हैं और फिर दाना रखते हैं। यार ये चीज तो मुझे कल ही पता लग गई थी कि हमारी दूसरी डक भी शायद नहीं बचेगी, और यार रात उसने भी दम तोड़ दिया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा यार। जहाँ से मैं इनको लेकर आया था मैंने वहाँ कॉल करके भी पूछा तो वहाँ भी मुझे पता लगा कि इनके जो तीन भाई बहन थे ना और इनसे अलग, वो भी मर चुके हैं, पता नहीं इनको क्या ही हो रहा है यार। इसको भी यार अब दफना कर आते हैं, हमारा तो अब यही काम हो चुका है, दफनाना और फिर ऊपर आना, फिर देखना कि कोई मरा है या जिंदा है और फिर किसी न किसी को दफना कर आना। बड़ा ही बेकार सा समय चल रहा है, पर चलो जल्दी से इसको दफना के आते हैं। ये जो मैंने फाइबर शीट डलवाई है पता नहीं कैसी अजीब सी है, इसके नीचे से धूप आर पार हो जाती है। यहाँ पर तो अभी धूप नहीं आई है क्योंकि इस दीवार की यहाँ पर छांव है, और जहाँ पर छांव नहीं है ना वहाँ पर धूप आई पड़ी है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर कूलर भी लगा दिया है ताकि थोड़ी ठंडी हवा तो इनको मिलती ही रहे। अब हमें इस बाल्टी की तो जरूरत है नहीं क्योंकि खरगोश के बच्चे अब इसके अंदर तो बिल्कुल नहीं जाते हैं, वो पूरी तरह से सेल्फ हो चुके हैं और खुद ही खाना वगैरह खाते हैं, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसको हम अलग निकाल देते हैं। यहाँ की मैं जल्दी से साफ सफाई कर देता हूँ, आ जाओ आ जाओ, चलो शाबाश शाबाश शाबाश, आ जा आ जा आ जा आजा 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 आजा। दोस्तों आज कल मैं एलेक्स को नीचे रखने लगा हूँ क्योंकि ये तभी तो फैमिली को यार अच्छे से जान जाएगा ना, ऊपर मैं इसको रूम में रखता था ना ये मेरे अलावा किसी को जान नहीं पाता, तो आजकल मैंने इसको नीचे रखना शुरू कर दिया है। और इसका मैं नाम लेता हूँ ना, ये आवाज भी निकालता है, मतलब जिस तरह से अब बोल रहा है ना, ये नाम लेने के बाद भी ऐसे ही बोलता है, तो यार धीरे धीरे ये सीख रहा है। अभी इसको भूख लगी है शायद, इसका बिल्कुल पोटा खाली हो चुका है, इसको जल्दी से फीड कराते हैं उसके बाद सीधा हम कैनल पर चलते हैं। एलेक्स यहाँ पर आ जाओ, तुम बैठो यहाँ पर। अभी अभी मैं कैनल पर आया हूँ ना, मैंने देखा था ये नीचे बैठा हुआ था लेकिन मेरे आते ही ये खड़ा हो गया, चलो अच्छी बात है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इसका जो ये कपड़ा है ना ये नीचे हो चुका है, तो मुझे इसे शायद ऊपर करना चाहिए या फिर नहीं, ये हो जाएगा ऊपर। युवराज इधर आना बेटा, थोड़ा सा इधर हो जाओ बस, या तो इसकी यहां से कपड़ा ढीला हो चुका है मुझे लगता है, थोड़ा सा तो ऊपर हो गया ये, चलो ठीक है वैसे इतना ही ठीक है, इतना ठीक है, हटना युवराज, बस शाबाश शाबाश। देखो अभी ये लेटा हुआ था ना, चारों तरफ इसकी मिट्टी लग चुकी है। हाँ युवराज यार पूरा गंदा हो गया। घास खानी है, डरने की बात नहीं है यार, डर क्यों रहे हो युवराज, घास खानी है, घास देते हैं इसको। यार घास इस थमले के अंदर है, यहाँ से मेरा हाथ भी नहीं जा पाएगा और यहाँ कहीं और आसपास घास है भी नहीं, चलो इसको ऐसे खिलाते हैं यहाँ से तोड़कर, या फिर यहाँ से खिला दें। लो भाई मैं इसको घास इसलिए खिलाता हूँ ताकि ये मुझसे प्यार करने लग जाए, इसको पता लग जाए कि मैं जब यहाँ आता हूँ मैं इसको ट्रीट देता हूँ जिससे ये मुझसे खुश रहे। और पिछली वीडियो में हमने सोचा था कि हम कोई यहाँ से अपने कैनल से कोई डॉग घर पर लेकर जाएंगे, तो हमने ये सोचा था लेकिन हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हम इनमें से कौन सा डॉग घर पर लेकर जाएं जो कि ज्यादा एग्रेसिव भी ना हो, मुझे डंडा उठाना पड़ेगा वरना ये भौंकता भौंकता चुप नहीं होगा बिल्कुल भी, आप देखें कैसे चुप होता है। हम ऐसा डॉग नहीं सोच पा रहे थे कि जो
वहां पर हमारे एनिमल्स को भी हार्म ना करें और खरगोशों वरगोशों के साथ भी वो फिट रहे। ये तो देखो मुझे लगता है बहुत ज्यादा शैतान है, इसलिए इसको ले जाने का प्लान तो मैंने कैंसिल ही कर दिया। अच्छा डीवन बिल्कुल भी नहीं जा सकता है, जीना प्रेग्नेंट है, सारी फीमेल्स भी प्रेग्नेंट हो चुकी हैं एक दो को छोड़कर, और एक हमारे पास जो अमेरिकन डोबरमैन है वो भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। सच में वो तो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है, मैंने पिछली कुछ वीडियो में आपको बता भी रखा था कि इतनी ज्यादा एग्रेसिव है ना, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं इतनी ज्यादा एग्रेसिव है ना, इसको तो घर पर ले जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे तो ये प्यार भी बहुत करती है लेकिन गुस्सा बहुत ज्यादा है इसमें। लीवो लीवो की आपको पता ही होगी, ये चेरी है, ये भी प्रेग्नेंट है, ये भी प्रेग्नेंट है, और कौन सी फीमेल, तो अभी हमारे पास ऐसी कोई भी फीमेल नहीं है जिसे हम घर पर ले जा सकते हैं, लेकिन सिवाय एक को छोड़कर वो बचती है हमारी बीगल। बीगल को तो वैसे आप बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं, मुझसे कहते भी रहते हैं कि भाई वीडियो इसकी बनाया करें आप, और इसको हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, तो मैंने सोचा है कि क्यों ना बीगल को हम अपने घर ले जाएं। वैसे भी ये छोटी है और जहां तक मुझे उम्मीद है ये इतनी एग्रेसिव नहीं है कि खरगोशों वगैरह को चोट पहुंचाए या फिर उन्हें हार्म करे, तो मैं सोच रहा था कि बीगल को आज घर पर लेकर चलते हैं, देखते हैं कि वहां अगर ये बिल्कुल सुटेबल हो जाती है तो ठीक है, वरना उसको भी यहीं पर वापस छोड़ देंगे। काश गाड़ी से आ पाता लेकिन गाड़ी मेरे पास नहीं थी, गाड़ी पापा लेकर चले गए। ये डाइट तो इसको हम बिल्कुल पूरी बढ़िया दे रहे हैं, ये देखिए कितने सारा इसको चारा डाल रखा है, लेकिन बात यह है कि इसको भी पता है कि मेरे चोट लग रखी है, तो उस टेंशन में ये बहुत ज्यादा वीक होता जा रहा है। मैं एक बार कोई चेन वगैरह देख लेता हूँ जिससे हम उसके गले में उसको बांध कर यहाँ से बाहर तो ले ही जाएं, वरना ऐसे तो वो भाग जाएगी, वो वैसे भी बहुत तेज भागती है। ये सारा का सारा सामान घोड़े का है, ये कब लेके आ गए पापा यार, ये सारी नई नई चीजें लेकर आते रहते हैं पापा, अभी तो हमारा घोड़ा फिट भी नहीं है तब भी इतना सारा सामान लेकर आ गए, ये क्या चीज है, ये भी घोड़े की है। हमें कोई ऐसी चीज ढूंढनी पड़ेगी जिससे हम बीगल को बांध सकें। ये चेस्ट बेल्ट है लेकिन ये बीगल की नहीं है, ये डीवन के साइज की है, बीगल को ये बिल्कुल भी नहीं आएगी, और कोई चीज है ही नहीं यहाँ पे। कोई जंजीर वगैरह हो उससे भी हमारा काम चल जाएगा, ये रस्सियां भी हैं, ये भी बेकार है, अब क्या ही कर सकते हैं हम। चलिए मैं ढूंढता हूँ, अगर कुछ मिलता है तो ही हम इसको यहाँ से लेकर जाएंगे। ये चेन है, ये भी खैर बहुत छोटी है, ये मिल गई मिल गई मिल गई, ये काम कर जाएगी। हाँ इसका लॉक भी ठीक है यहाँ से, और ये काफी ज्यादा बड़ी भी है। चलिए फिर इसमें इसको बांधते हैं बीगल को, बाहर लेकर चलते हैं फिर। रोहित भैया आ जाओ, अब शायद आपको मेरी आवाज भी ना आए, डॉग्स इतनी तेज भौंकने वाले हैं। डंडा उठा लेता हूँ पहले ही, आ जाओ गेट लगा देना। अभी तो खैर डॉग्स शांत हैं, पता नहीं जब पहले अंदर आए थे तब तो भौंक रहे थे, चलो अच्छी बात है ना भौंके तो हम आसानी से ले जाएंगे ना उसे। इसे बाहर निकालूं या फिर यहीं से बांध लूं, यहीं से बांध लेता हूं ना, कहीं पकड़ने भारी हो जाएगी। हाँ ये पकड़ में नहीं आएगी, फिर बहुत तेज भागती है ना, चलो इसको यहीं से बांध लेते हैं। यार मुझे इसका डर ये हो रहा है कि ये बाहर निकल ना जाए पट्टे से, वरना ये हाथ नहीं आने वाली, ये इतनी तेज दौड़ती है ना, ये पहले एक बार निकल चुकी है यहाँ से, ये हाथ नहीं आई थी, बड़ी मुश्किल में हाथ आई थी। बस इसको बड़ी सेफ्टी के साथ मैं एक बार घर ले जाऊं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। आ जाओ बिगल चलो, बस यार ये गले में से पट्टा ना निकाल ले। तो यार मैं बीगल को लेकर घर पर तो आ चुका हूँ, और मम्मी ना गेट खोलते ही अंदर भाग गई, क्योंकि वो सोच रही थी कि कहीं उन्हें ये काट ले, मम्मी इससे पता नहीं डरती हैं। चलो ऊपर चलो चलो चलो, शाबाश 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 शाबाश, सीधा हम इसको ऊपर ही लेकर चलते हैं छत पर। आ जाओ शाबाश शाबाश शाबाश, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो बहुत बढ़िया। यार पीछे शायद एक रैबिट खुला हुआ है, उसको पहले मुझे बंद करना पड़ेगा। हाँ ये देखें यार
रैबिट डर गया, देखो रैबिट डर गया भाई साहब, देखे और रैबिट, अरे वाह रैबिट अपने आप ही वहां कोने में चला गया है छुपकर। इसको हम किस जाल में बंद करें? इसको हम एक काम करते हैं, पहले हम इसको इस वाले जाल में बंद करते हैं। बीगल को मैंने इस वाले जाल में बंद कर दिया और मैं सारा का सारा गंदा हो चुका हूँ। ये देखें यार, इसके बाल भी पता नहीं थोड़े थोड़े उतर रहे हैं ना, इसकी वजह से मैं थोड़ा गंदा हो गया हूँ। इसको मैंने इस वाले जाल में छोड़ दिया है, ये हमारे डॉग्स का ही जाल था। रैबिट बेचारा थोड़ा सा डर गया है, इसको जल्दी से अंदर किसी जाल में शिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इसको हमें खोलना है। अगर ये इस जाल के अंदर ज्यादा चिल्लाएगी तो इसको खोल देंगे, वरना हम इसको अंदर भी रहने दे सकते हैं क्योंकि काफी बड़ा जाल है। क्योंकि बाहर खोलने से सिर्फ दिक्कत ये होगी, ये इन सबको डिस्टर्ब कर देगा। और लव बर्ड्स को आज मैंने अलग रखा हुआ है ना, तो ये भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएंगी। खरगोश के यहाँ पर बच्चे भी हैं, तो वो भौंकेगी और इन पर पंजे वगैरह मारेगी तो ये सारे के सारे डर जाएंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। चलो यार खरगोश को अंदर करते हैं। चलो खरगोश, रैबिट चलो जल्दी जाके अपने जाल में घुस जाओ भाई, जाओ चलो 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 केज में जाओ, केज में जाओ, केज में जाओ भाई, कहाँ जा रहे हो? केज में, केज में, केज में, केज में, शाबाश शाबाश शाबाश। चले यार अभी तक तो ये शांत है, इसको अंदर ही छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। और अभी शाम हो चुकी है, आप लोगों को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। मैं बर्ड्स को दाना पानी, इनको घास और उसको भी खाना वगैरह रख देता हूँ। मैं इनके सारे काम निपटाता हूँ और फिर मैं आपसे सुबह मिलता हूँ। और मैं फिलहाल ढूंढ रहा हूँ खरगोशों को। खरगोश कहाँ गए? मैंने उन्हें सुबह यहाँ पर खुला छोड़ा था, लेकिन वो गए कहाँ हैं? खरगोश कहाँ गए यार? मुझे लगता है वो शायद पार निकल गए हैं गेट के नीचे से और उस साइड पहुंच गए हैं। एक बार के लिए तो मैं डर ही गया था कि पता नहीं खरगोश कहाँ चले गए। और मैं बताऊँ खरगोश कहाँ पे हैं? ये देखें यार कहाँ पर छुपे हुए हैं, दोनों हैं, दोनों हैं। चलो ये अच्छी बात है, दोनों यहाँ पर छुपे हुए हैं। बिल्ली वगैरह का भी कोई खतरा नहीं है, हमारी बीगल भी वहां पर है। और दूसरी बात, हमने यहाँ पर पौधे सारे लगा दिए हैं। अमरूद का पौधा ये रहा और बड़ा वाला पौधा हमने वहाँ कोने में रख दिया है। और ऊपर हमारा एलोवेरा का एक और पेड़ रखा था, वो भी मैं यहाँ पर नीचे लेकर आ गया हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना। दिस इज अभिनव हूँ, ओवर एंड आउट।